हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं आज सिडनाज का एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक मोमेंट आपके लिए लेकर आई हूं। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि सिडनाज मोमेंट और सिडनाज की लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से आप तक पहुँचती रहती है। तो गाइस, ये सीन है जिम एरिया का, जहाँ पर सिद्धार्थ जिम कर रहे हैं और पारस, विशाल और विशाल का भाई गार्डन एरिया में ही बैठे हुए हैं। गाइस, ये सबका सीन है जब कनेक्शन घर में आए थे, और शहनाज के बर्थडे के दूसरे दिन का सीन है। तो मॉर्निंग टाइम है, शहनाज आती है सिद्धार्थ की तरफ, और सिद्धार्थ को देखो आप कैसे शहनाज को देख रहा है, जैसे शहनाज का ये वेट कर रहा हो कि यार मोटी आए कब आए कब आए। जैसे शहनाज नहीं बोलती थी कि आए आए कब आए, मैं इसका वेट ही करती रहती हूँ कि कब आए और कब मेरी तारीफ़ करे। उसी तरह से सिद्धार्थ भी बहुत इंतज़ार करता था शहनाज का, जब काफ़ी टाइम हो जाता था ना, तो सिद्धार्थ को भी होता था कि आए आए भाई कब आएगी मेरी मोटी, और आके मुझे कब हक करेगी, कब पैम्पर करेगी, कब प्यार करेगी। सिद्धार्थ को भी बहुत पैम्पर होना अच्छा लगता था शहनाज से। शहनाज जिस तरह से उसको हक किया करती थी, सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा फील किया करता था उस चीज़ को। तो गाइस, जैसे एवरी मॉर्निंग शहनाज का ये एक काम होता था कि वो सिद्धार्थ को हक करती थी, तो भाई आ गई गार्डन एरिया में, वो सिद्धार्थ को हक कर रही है, और आप देख रहे हैं सिद्धार्थ भी मिरर में अपनी शेडो देख रहा है कि हम हक कैसे करते हैं। मतलब ये सिद्धार्थ की एक बहुत आदत थी कि जब भी वो शहनाज उसको हक करती थी या वो शहनाज को हक करता था, तो ये एक दूसरे के टच को फील करते थे। वो सिद्धार्थ हमेशा मिरर में ये दिखने की कोशिश करता था कि शहनाज क्या फील कर रही है, क्या शहनाज और मेरी फीलिंग्स एक ही है। तो सिद्धार्थ ये चीज़ बहुत बार देखने की कोशिश किया करता था, और हमेशा मुझे लगता है कि उस सेटिस्फाइड हो जाता था कि हाँ भाई हम दोनों की यही फीलिंग्स है, शहनाज भी वही फील करती है जो मैं फील करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर शहनाज जब हक करती है सिद्धार्थ को, तो विशाल का जो भाई आया था, तो वो कहते हैं वाओ ये सब हम टीवी पर देखते थे, आज हम लाइव देख रहे हैं। तो ये सुनकर ना सिद्धार्थ के फेस पर एक अलग ही चमक और एक अलग ही सा ब्लश नज़र आने लगता है, जैसे एक शर्माता हुआ लड़का कितना प्यारा लगता है ना, उसी तरह से सिद्धार्थ के फेस पर ना अलग से एक ब्लश आ जाता है, अलग ही लग जाता है कि बंदा प्यार में पड़ चुका है। और गाइस, तो इनका हक भाई कंटिन्यू रहता है, और ये सुनकर शहनाज को मस्ती सोचती है। कई बार मैं सोचती हूँ ना, रोमांटिक मूड की बैंड ना शहनाज भी बहुत बार बजा दिया करती थी, जब सिद्धार्थ थोड़ा सा फील करने लगता था ना चीज़ें, तो शहनाज उस रोमांटिक मूड की ना बैंड पूरी तरह से बजा देती थी। अब शहनाज को मस्ती सूझी, तो वो क्या कहती है, जो विशाल का भाई रहता है उसको इशारा करती कि मैं कुछ पूछूंगी तो तू ना बोलना, ठीक है। तो फिर शहनाज कहती हाँ तूने देखा क्या, हमने मैंने हक किया, तो वो बोल देता है नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो फिर से एक बार हक करती है सिद्धार्थ को, और फिर दोबारा पूछती है कि तूने देखा हमने क्या किया, तो वो बोलता है नहीं मैंने तो अभी भी नहीं देखा। तो इस चक्कर में वो फिर से हक करती है, मतलब ये उसकी मस्ती चालू हो जाती है। और देखो आप, सिद्धार्थ भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है और हंस भी रहा है। मतलब इस तरह की जो हंसी थी ना, वो सिर्फ शहनाज ही ला पाती थी सिद्धार्थ के फेस पे। वो दिल से हंसता था, उसे दिल से खुशी होती थी। शहनाज की किसी भी ऐसी मस्ती भरी चीज़ों से ना सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश होता था, मतलब क्योंकि इनका जो प्यार और मस्तियाँ थी ना, वो सब प्योर होता था, ऑर्गेनिक होता था, इन्हें कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। इनको ऐसा नहीं था कि अब हमें कुछ मोमेंट हम मेहनत करें भाई, क्रिएट करें, हमें कैमरा पे दिखना, नहीं, कैमरे वैमरे से तो कोई मतलब ही नहीं था, ये जैसे थे वैसे ही थे। और गाइस, सिर्फ इसलिए ही हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं अपने सिडनाज से, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर नेचुरल, इनका बॉन्ड एकदम ऑर्गेनिक था, है ना गाइस। अब शहनाज कहती है सिद्धार्थ से चलना इसको लाइव दिखाते हैं, इसने हमेशा टीवी में ही देखा ना, हम इसको लाइव दिखाते हैं, और बस हक कर लेती है बहुत टाइटली अपने सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ भी बिल्कुल टाइटली हक कर लेता है शहनाज को, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी किस करती है शहनाज चीक पे सिद्धार्थ के, और सिद्धार्थ मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसको फील करता है चीज़ों को। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे हुए हैं गाइस, हमें अलग ही दिखता है, और ऐसे मोमेंट हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं गाइस। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक और प्यारा मोमेंट लगा गाइस, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और सिडनाज मोमेंट और सिडनाज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। और गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।